हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं और हास्य बैंक की वो हाँ बहुत बढ़िया तो जो हास्य बैंक की वो बात करते हैं, जब वो बात करेंगे आपको लगेगा कहीं राजनीतिक बात भी होती है, कहीं घर की बात भी होती है, कहीं बहुराष्ट्र की बात भी होती है। तो मैं चार पंक्त से बुलाना चाहता हूँ भाई यशदीप को कि पहले दिल की सुने, पहले दिल की सुने फिर दिमाग की सहे। सुन ले बेटा कि पहले दिल की सुने फिर दिमाग की सहे, फिर वो करे जो बीवी कहे। पहले पहले दिल की सुने फिर दिमाग की सहे, फिर वो करें जो बीवी कहे। बस यही काम सुबह शाम और रात करें, बीवी हो तो ठीक वरना मोदी बनके मन की बात करें, वरना मोदी बनके बात करें। भाई यशदीप माँ वीणा पाणी शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूँ, सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सभी की पावन एवं गौरवमयी उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूँ। और आज जैसा कि काइट के इस प्रांगण में कविकुल शिरोमणि भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ ही साथ हिंदी पखवाड़ा भी यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो मैं उसकी भी आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और चार पंक्तियाँ माननीय अटल जी के चरणों में रख करके आज के अपने इस काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहता हूँ। मंच का आशीर्वाद स्वागत है भैया, स्वागत कि निश्चल निर्मल जल कमल अटल। हाँ निश्चल निर्मल जल कमल अटल, अविरल पल पल हल सकल अटल। क्या बात है, निश्चल निर्मल जल कमल अटल, अविरल पल पल हल सकल अटल, दल बल संबल प्रबल अटल, मंजुल मंगल फल सरल अटल। मंजुल मंगल फल सरल अटल, मंजुल मंगल फल सरल अटल। और चार पंक्तियों से मैं हिंदी पखवाड़े में, क्योंकि हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर आज का ये कार्यक्रम है, तो अपने कवि धर्म को निभाते हुए चार पंक्तियां और मैं निवेदित करना चाहता हूँ कि सजी माँ भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, कि सजी माँ भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, जुबा मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है, और करे जो बात मन की जोड़ती मन की कड़ी मन से। आपने सुना होगा कि उर्दू में एक शब्द आता है तलाक और इंग्लिश में एक बोलते हैं डाइवोर्स, परंतु हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका मतलब तलाक हो। क्या बात है, तब मैं कहना चाहता हूं कि करे जो बात मन की जोड़ती मन की कड़ी मन से, मोहब्बत की इबादत की जुबा है तो वो हिंदी है, मोहब्बत की इबादत की जुबा है तो वो हिंदी है। और ये मैं अपने कवि धर्म को निभाने के बाद अब अपनी असली औकात पर आता हूँ। इसी का इंतजार कर रहे हैं। आपने जो मेरे स्वागत में जितनी घनघोर तालियां बजाई उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी आने वाली सात पीढ़ियों की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता हूँ। आप देख रहे होंगे शुरू से प्रतीक जी भी लगे हुए हैं, बाकी मेरे से पहले जो कवि आए सबने आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, विनय किया, अनुनय किया, किसी ने डराया, किसी ने धमकाया, किसी ने फुसलाया। मंशा सबकी एक थी कि आपका जो तालियों के रूप में उन्हें आशीर्वाद मिले। तो ऐसा क्या है कि तालियां इन कवियों के लिए इतनी जरूरत होती है? ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, नेता को वोटर की, मरीज को डॉक्टर की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, सर्दी में रिजाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, पूरा तो सुन लो, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत। साल एक बार जोर से ताली चैताली कर सकते वाली कोई कवि ना जाए। बस मैं जिंदा बात करती हूँ।
एक तो राहुल भाई का जवाब नहीं था बीच में, और अभी जो शुरू में आपका आपके कॉलेज में तीन बच्चों ने काव्य पाठ किया, बहुत ही अच्छा लगा। जो काइट ने इस तरह की परंपरा करी है कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साहित्य के बच्चों को निखार करके आगे राष्ट्रीय पटल पर लाने का जो काम किया है, मैं प्रतीक जी को और काव्यांजलि के इससे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ, और एक बार चाहता हूँ कि पूरा सदन उनके लिए तालियां उठाए। क्योंकि कभी मैं जानता हूँ कि मनोहर राणा साहब ने कहा था कि परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, वो तो आप हैं जो संभाले हैं गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब मनुज यहाँ पर किसी की आंखों में उतरने की कोशिश कर रहा था, और पीछे से जब आप लोगों की वाह वाह आहा और पता नहीं क्या क्या आहा भी थी, मैं वहां बैठा बैठा देख रहा था कि ये अपनी आंखों की गीड़ निकाल रहा है या दूसरे की आंख में घुसने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद प्रतीक भाई को भी सफाई देनी पड़ी, यहाँ पर आके स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, इसने अपनी मर्जी से किया। क्योंकि अगली पंक्ति में जो भूतपूर्व नौजवान बैठे हुए थे वो उनको घूर घूर के देख रहे थे, क्या करवा रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनका कहना यह है कि बुजुर्गों ने ये दुनिया हमसे ज्यादा देखी भाली है, कि बुजुर्गों ने ये दुनिया हमसे ज्यादा देखी भाली है, बिना दौलत मोहब्बत की कहानी बस ख्याली है। क्या बात, वाह। कि बुजुर्गों ने ये दुनिया हमसे ज्यादा देखी भाली है, बिना दौलत मोहब्बत की कहानी बस ख्याली है, और समर्पण प्रेम सच्चाई वफादारी की लफ्फा जी जी, कि समर्पण प्रेम सच्चाई वफादारी की लफ्फा जी नहीं कुछ काम आती है अगर बटुआ ही खाली है, नहीं कुछ काम आती है अगर बटुआ ही खाली है। परंतु मैं उन बुजुर्गों को, उन भूतपूर्व नौजवानों की आपकी तरफ से जवाब देना चाहता हूं कि वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। क्या बात, कि वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है, सभी ने ही बताया माँ का दर्जा रब से ऊपर है, कि वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है, सभी ने ही बताया माँ का दर्जा रब से ऊपर है, और खनक सिक्कों की जब जब भी बनी बेड़ी मोहब्बत की, हुआ साबित यही आखिर मोहब्बत सबसे ऊपर है, हुआ साबित यही आखिर मोहब्बत सबसे ऊपर है। और मैं देख रहा हूँ आप लोगों की जो इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया आह और वाह निकल रही है, क्योंकि वो क्या है कि किसी की दुखती नस पर हाथ रख दो तो एकदम से उछल करके आता है, और मुझे पता है योगी जी ने आजकल आपकी दुखती नस को बहुत कस के पकड़ रखा है, जो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखी है, परंतु आजकल 377 लगने के बाद वो एंटी रोमियो स्क्वाड भी कंफ्यूज है कि एक साथ दो लड़के जा रहे हैं तो क्या करना है। और वो श्री राम सेना भी रीप्लानिंग करने में लगे हुए कि वैलेंटाइन डे को क्या अपनी रणनीति अपनानी है। तो आप लड़कों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, कि आजकल। और यह मैं चाहूंगा कि इस साइड इस मोहल्ले और इस मोहल्ले में थोड़ी लाइट जलवा दी जाए, अंधेरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग। क्या बात, दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। आपकी चैतन्य और चेतना को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, कुछ लड़कों को मैंने जब ये पंक्तियां सुनाई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक तरफा बात करते हो आप, कवि का धर्म है कि सबकी बात करे, दोस्त सिर्फ लड़कों का नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है। तब आप लड़कों की तरफ से जवाब देना चाहते,
आशिकी के खेल में क्या जी? कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और अगर अगली पंक्ति में आपकी दुखती नस पर हाथ रख दिया तो बताना कि रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में, और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ फिर। कि झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ फिर, हर रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। और जो आपके प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको ये बार बार जताना पड़ रहा है कि मैंने ऐसा नहीं सिखाया, और इन्होंने क्या सिखाया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिसके इश्क में बनकर फिरा करते थे बस मजनू, उसी खातून के बच्चे ने मामू बुलाते हैं। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, इस बात को कुछ ऐसे भी कह सकते थे। इन्होंने अपनी बात मेरे पे डाल दी कि है तो है। मामू है तो है। अरे मेरी भी सुन लो, ये इनके अनुभव की बात है कि मुद्दत के बाद वो मिली पर दर्द रह गया। संजीव जी मुद्दत के बाद वो मिली पर दर्द रह गया, मेरे प्यार का शोला मेरे आंसू में बह गया। अच्छा अभी से हो कि मुद्दत के बाद वो मिली पर दर्द रह गया, मेरे प्यार का शोला मेरे आंसू में बह गया, और मासूम से बच्चे ने इनका तोड़ दिया दिल, बनना था जिसका पापा वो ही मामा कह गया। मामा है तो है, किसी का तो मामा हूँ भाई, पर ये जिसका मामा है वो है तो है। बात अनुभव की करी तो बड़े भाई प्रतीक है, महाकवि हैं, और इस समय मैं बताऊं आपको, काइट का नाम पूरी दुनिया में देश में रोशन कर रहे हैं, और आज जहां जहां पूरे देश में इनके जो फैन फॉलोइंग है वो आपको मैं बता नहीं सकता। एक बार मैं चाहूंगा कि पूरे सदन की आज के संचालन के लिए तालियां हैं। और ये इतना बड़ा कवि बनना कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेल है कि उठा करके कभी भी चार पंक्तियां लिख दी, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और कैसे बड़ा कवि बना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो बात आपने बारीकी से पकड़ ली तो अगले साल में बाहर से कोई कवि आपको बुलाना ही नहीं पड़ेगा। क्या बात, स्वागत। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। क्या बात है। और जब भी आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो दो नाम सिर्फ शिखर पर आते हैं, उसके अलावा तीसरा नाम नहीं आता, महाकवि तुलसीदास और महाकवि कालिदास। और ये कवि किन परिस्थितियों में बने, उस इतिहास को अपने जहन में रख करके अगली पंक्ति सुनना। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते, और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कवि तुम बन गए। बिना बीवी से खाए लात कवि तुम बन नहीं सकते, और ये
पूरा मंच जानता है, इस बात की गवाही देता है, यहीं पर ही नहीं पूरे देश में गवाही देता है कि सभी डरते हैं बीवी से। ये जो अगली पंक्ति में आपके प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता, और बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूँ। क्या बात है, बिना पूछे ही बीवी से। ये नहीं कि प्रत्येक भाई की तरह जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके यहाँ पर आ गए। और इससे अनुभव भी आता है, ये अनुभव की बात कर रहे थे, इनका अनुभव बताता हूँ मैं, क्योंकि रसोई में इनको जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारी भाभी जी है वो उनको झाड़ू चौके और बर्तन से ही फुर्सत नहीं लेने देती। तो इनका अनुभव बताता हूँ। एक बार भाभी जी चली गई मायके, अब भाई साहब ने रसोई में गए, कुकर चढ़ाया गैस पर और सेल्फी लेकर के फेसबुक पे अपडेट डाला कि चाय बना रहा हूँ, कितनी सीटी लगवानी है। बहुत बढ़िया। सौरभ भाई का रिमार्क उस पे कमेंट आया कि एक सीटी तो पहले ही लगी हुई है, और कितनी लगाएगा। दूसरे का कमेंट आया कि अबे बेवकूफ, चाय के लिए कभी कुकर चढ़ाया जाता है, कढ़ाई चढ़ा। तीसरे का जवाब आया कि पड़ोस कि बालकनी में जाकर के पड़ोसन को सीटी मार, चाय वैसे ही आ जाएगी। और जो हमारे गुरमीत गुणी है, इतने गुणी है, इनका जवाब सुनोगे तो मजा आ जाएगा आप सभी को। इन्होंने लिखा, भाभी जी गई हुई हैं तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, आप बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ, सीटी हम बजा देंगे, जितनी कहोगे उतनी बजा देंगे। तो मैं बता रहा था कि कहाँ बता रहा था भाई साहब, बोतल मंगवा रहे थे। नहीं, ये हो जाता है कई बार, अभी हमारे भाई साहब के साथ भी हो गया, बीच में भूल के पर्ची लाए लिख लानी थी, कौन सी निकल कोई सी गई। कई बार ऐसी परिस्थितियां मंच पर हो जाती हैं। मैंने देखा एक बार एक कवि सम्मेलन में, एक कवि आया बड़ी जोश खरोश के साथ, तैयारी के साथ, मन संचालक ने भी उसकी लंबी चौड़ी भूमिका बना करके पब्लिक के सामने ऐसे पेश किया जैसे कोई इंटरनेशनल कवि आज यहाँ पर आया है, और सबने भरपूर तालियों से उसका स्वागत किया, और उसने अपनी कविता पढ़नी शुरू करी। बोला, सड़क के बीच चौराहा, सड़क के बीच चौराहा, अब पर्ची नहीं लाए, और चौराहे पर खड़ा कुत्ता, कभी यहां देखे और कभी यहां देखे, सड़क के बीच चौराहा और चौराहे पर खड़ा कुत्ता। पब्लिक पूरी शाम, क्योंकि जिस तरह की उसकी इमेज बना दी गई थी, वो सोच रहा पता नहीं क्या पंक्ति आने वाली अगली। बोले, सड़क के बीच चौराहा और चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता, पूरा सन्नाटा, सब देख रहे क्या बोलेगा अगला। उसने फिर बोलना शुरू किया अपनी यादाश्त को टटोलते हुए कि सड़क के बीच चौराहा, चौराहे पे खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर फिर कुत्ता। अब जिस आप उसने ऐसे करते करते 8-10 कुत्ते पे कुत्ते चढ़ा दिए, और आखिर में फिर वही कि सड़क के बीच चौराहा, चौराहे पे खड़ा कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर फिर कुत्ता। तो प्रतीक भाई और मैं दोनों गए हुए थे, प्रतीक एकदम से उठे, भाई वाह 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 वाह। मैं कहे, यार इसमें वाह वाह वाली कौन सी बात है। बोले, तू मैं कभी कहना क्या चाह रहा है, पर क्या कहना चाह रहा है वो छोड़, बैलेंस देख, 15 कुत्ते चढ़ चुके, गिरा एक भी नहीं। बहुत कि काला व सफेद था कि छोड़ना ही कुछ बाकी। तीन रंगों का प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया है, किनके लिए किया है, आप सभी यहां पर पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चार उपाय बता रहा हूं जिंदगी में सदा खुश रहने के,
इतनी दुख तकलीफ टेंशन हमारी जिंदगी में कि हंसने के लिए भी हास्य कवियों को और लाफ्टर शो करवाने पड़ते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन चार उपायों को आप जिंदगी में उतार लोगे तो कभी दुख तकलीफ आपकी जिंदगी में प्रवेश करना तो दूर कभी दस्तक भी नहीं दे पाएगी। कि काला वे सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए, और बोस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और कितना भी प्यार मिले मानव सम्मान मिले, कि कितना भी कितना भी कितना भी कितना भी कितना भी प्यार मिले मानव सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए। हाँ। और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। और भाई साहब ये लुगाइयों की बढ़ाई करना भी एक आर्ट है, हर एक के बस की बात नहीं है, ये अपने मनुज जैसे लोग ही कर सकते जो श्रृंगार रस के कवि हैं। मेरी एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे चैलेंज कर दिया, ये पुरुष को देखकर सीटी बजा रहे हो अच्छी बात नहीं है, माना कि 377 हट चुकी है पर उसका इतना भी दुरुपयोग ना करें, एक बार मन कर रहा है तो तालियां बजा दीजिए आप। हाँ। एक बार मेरी पत्नी मेरे से मुझसे अलग की बोली, तू बनता है अपने आप में इतना बड़ा कवि होगा, पता नहीं कहाँ का कवि है। मैं नहीं मानती, मैं क्यों नहीं मानती, बोली आज तक तूने मेरी प्रशंसा में 2 पंक्तियां नहीं लिखी। मैं कि ये काम है श्रृंगार रस के कवियों का, मैं हूँ हास्य रस का कवि, थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। बोली मुझे नहीं पता, अगर मेरी प्रशंसा में सुबह तक 2 पंक्ति नहीं लिखी तो कल से कवि सम्मेलन जाना बंद। अब बात कैरियर पर आ गई तो मैंने मनुज को फोन लगाया, मैं भाई तू ही कुछ सलाह दे, इसने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई साहब बीवी आपकी लिखोगे आप, मैंने क्या देखा हुआ है उनको। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, और प्रतीक भाई क्या मैंने कोशिश की और क्या उसका अंजाम निकला आप लोगों के बीच में रखता हूँ। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन सी तेरे बाल, ये अपनी पत्नी के लिए लिखा, और अगर किसी की पत्नी से मैच कर जाए तो कोई गारंटी नहीं है। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमको पे जान चली जाती है। अच्छा लगा आपको, पर जिसके लिए लिखा उसे अच्छा नहीं लगा। उसने क्या कहा कि सुन ऐसी उपमाएं, वो नजारा मुस्काए, बोली तेरी कविताएं मुझे तो ना भाती है, और गधे सा तू रेखता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है। और वक्त की अपनी मर्यादा है, कार्यक्रम काफी विस्तार ले चुका है, और हम चाहेंगे कि जो बाकी वरिष्ठ कवि है उनको अधिक समय मिले, तो क्योंकि किसी ने कहा था कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को जरा थाम कर रखना, ये वक्त बेवक्त काम आता है। अंतिम 4 पंक्तियां सौंप करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिले। कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर हम मिले, बस जरा सी जिंदगी है, क्या पता फिर कब मिले, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।